नमस्कार। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों में से 5 चरणों में हो चुके मतदान और इसके अलावा 3 चरणों में होने वाले मतदान को लेकर के एक एक सीट का ओपिनियन पोल और उसका एग्जिट पोल आ चुका है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने ओपिनियन पोल और 5 चरणों की 180 सीटों का एग्जिट पोल जारी कर दिया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। इसलिए अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखिए स्पेशल रिपोर्ट जिसमें एक एक सीट के आंकड़े के बारे में बताया गया है। पश्चिमी बंगाल के प्रथम चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर 27 मार्च को मतदान हुआ और इस मतदान के दौरान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने अन्य के खाते में 0 से 1 सीट डाल दी है। जोधपुर सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया था, जिसकी वजह से अन्य को टीएमसी ने समर्थन दे दिया और उसी के चलते राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है। प्रथम चरण में कांग्रेस के गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं टीएमसी को 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 21 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा 1 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर रहने का अनुमान है। कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी में टक्कर हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला भी 1 सीट पर हो सकता है। इसके अलावा प्रथम चरण में बीजेपी और टीएमसी के बीच में 1 सीट पर टक्कर होने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है और इसके साथ ही बीजेपी और अन्य उम्मीदवार यानी जोधपुर सीट वाले उम्मीदवार के बीच में भी कड़ा मुकाबला होने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार कह चुका है। दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान हुआ। यहां पर अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वोट शेयर अन्य के खाते में जरूर जाएगा, लेकिन किसी भी सीट पर अन्य को जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने नहीं लगाया है। कांग्रेस के गठबंधन को दूसरे चरण की 30 सीटों पर 1 सीट पर जीत मिलेगी। टीएमसी के खाते में इस बार 5 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर दूसरे चरण में जीत दर्ज कर सकती है। तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान हुआ। यहां भी अन्य के खाते में 0 सीट डाली गई है, लेकिन वोट शेयर अन्य के खाते में जरूर जाएगा। कांग्रेस के गठबंधन को तीसरे चरण में 2 सीटें दी गई है। टीएमसी को 10 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार तीसरे चरण में लगा चुका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। तीसरे चरण की 31 सीटों में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान हुआ और इनके एग्जिट पोल्स के आधार पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में वोट शेयर जरूर डाला है, लेकिन 0 सीट पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीटों पर चौथे चरण में सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं ममता दीदी का 15 सीटों पर दबदबा कायम रह सकता है। चौथे चरण की 44 सीटों में से 15 सीटों पर टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में चौथे चरण में 25 सीटें हैं वो राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। पांचवें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान हुआ, जहां अन्य के खाते में फिर से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अन्य के खाते में वोट शेयर जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। पांचवें चरण में कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं 13 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा रहेगा और टीएमसी के खाते में राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने पांचवें चरण की 45 सीटों में से 13 सीटें डाल दी है। इसके अलावा पांचवें चरण की 45 सीटों में से 25 सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। और इसके साथ ही पांचवें चरण में बीजेपी और टीएमसी के बीच में 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने का अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होने वाला है। अभी तक सिर्फ 5 चरणों के मतदान हैं वो कंप्लीट हुए हैं और छठे चरण के ओपिनियन पोल के आधार पर और सट्टा बाजार की सर्वे के आधार पर अन्य को 1 सीट दे दी गई है। 1 सीट पर अन्य का कब्जा यहाँ रह सकता है, क्योंकि ये एम फैक्टर वाला एरिया है और यहाँ पर जिस तरह से ओवैसी हुए, अन्य अदर भी हुए,
उनका दबदबा अच्छा है, जिसके चलते एक सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है। छठे चरण की 43 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही टीएमसी का 20 सीटों पर दबदबा रहेगा। इस छठे चरण की 43 सीटों में से 20 सीटों पर अकेले ममता दीदी की टीएमसी है वो जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा छठे चरण की 43 सीटों में से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। अगली सातवें चरण की चर्चा करें तो यहां पर 36 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। हालांकि 35 सीटों पर ही मतदान होगा क्योंकि जंगीपुर सीट का चुनाव है वो टल चुका है, एक उम्मीदवार की डेथ हो चुकी है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि सीट पर चुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन सातवें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है वो प्रस्तावित था। और सातवें चरण में अन्य के खाते में एक सीट जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। ये भी एम फैक्टर वाला एरिया है जिसकी वजह से अन्य के खाते में एक सीट सट्टा बाजार डाल चुका है। कांग्रेस के गठबंधन को सातवें चरण की 36 सीटों में से 4 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके अलावा 12 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा होने की बात भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार कह चुका है। टीएमसी 12 सीटों पर सातवें चरण में जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर सातवें चरण में जीत है वो दर्ज कर सकती है। आठवें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके तहत एक सीट है वो अन्य के खाते में ओपिनियन पोल के जरिए और सट्टा बाजार की सर्वे के जरिए जो डाल दी गई है, एक सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है। ये भी एम फैक्टर वाला ही एरिया है। इसके अलावा आठवें चरण की 35 सीटों में से कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही टीएमसी 7 सीटों पर आठवें चरण में जो जीत है वो दर्ज कर सकती है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी 24 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। आठवें चरण की 35 सीटों में से 24 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इस पूरे आंकड़े को आसान भाषा के अंदर समझें तो अन्य के खाते में 3 से 4 सीटें जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस के गठबंधन को पूरे 294-93 सीटें हैं जो वहां पर 24 से 29 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, क्योंकि सीटें 294 हैं, एक सीट पर चुनाव रद्द होने की वजह से 293 सीटों का ही आंकड़ा आएगा। इसके अलावा टीएमसी को 86 से 91 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। पूरे पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी 86 से 91 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 172 से 179 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। अब तक जो चुनाव हुए हैं उसके आधार पर 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, जिसको कहा जा सकता है कि फिरोजी सट्टा बाजार ने किसी भी खाते में नहीं डाला है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने पांचवें चरण के बाद में जो दावा ठोका है 122 सीटें जीतने का, उसके आधार पर लग रहा है कि पांचवें चरण की 4 सीटों पर जो कड़ा मुकाबला था वो बीजेपी के खाते में जा चुकी है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं कि अन्य के खाते में पूरे चुनाव में 3 से 4 सीटें जा सकती है। कांग्रेस के गठबंधन को 24 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 86 से 91 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 172 से 179 सीटों पर कमल खिला सकती है। और 8 सीटों पर अब तक कड़ा मुकाबला हो चुका है, जिसके बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। फिलहाल राष्ट्रीय फ्लोर सट्टा बाजार के सर्वे समीकरणों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बंगाल का रन कौन जीत रहा है इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।